आधुनिक जगत में विद्युत यानी इलेक्ट्रिसिटी की खोज करने का श्रेय बेंजामिन फ्रैंकलिन और माइकल फैराडे को दिया जाता है। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने सन 1752 में इलेक्ट्रिसिटी की खोज की थी, लेकिन क्या आपको पता है बेंजामिन फ्रैंकलिन से भी 4000 साल पहले ऋषि अगस्त ने अपनी रचना अगस्त संहिता में विद्युत बनाने की विधि का उल्लेख किया है। उन्होंने विद्युत बनाने की विधि का उल्लेख करते हुए लिखा है, अगस्त संहिता में वर्णित श्लोक के अनुसार विद्युत बनाने के लिए एक मिट्टी का पात्र लें, उसमें ताम्र पट्टिका यानी कॉपर सीड डालें तथा सिक्की ग्रीवा यानी कॉपर सल्फेट डालें, फिर बीच में गीली कास्ट पांसु यानी वेट सॉ डस्ट लगाएं, ऊपर पारा यानी मरकरी तथा दस्त लोस्ट यानी जिंक डालें, फिर तारों को मिलाएंगे तो उससे मित्र वरुण शक्ति यानी इलेक्ट्रिसिटी का उदय होगा। अगस्त संहिता में विद्युत का उपयोग इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए करने का भी विवरण मिलता है। उन्होंने ये भी बताया कि उपरोक्त सेलों की श्रृंखला का उपयोग अगर पानी पर करेंगे तो प्राणवायु यानी ऑक्सीजन और उड़ान वायु यानी हाइड्रोजन का निर्माण होगा। यहाँ तक कि उन्होंने हवा में उड़ने वाले गुब्बारे और विमान संचालन की तकनीक के भी बारे में बताया है, वो भी 4000 साल पहले, बस 4000 साल पहले। ऐसा आज के बुद्धिजीवियों का मानना है, क्योंकि हमारे ग्रंथों के अनुसार वो सप्त ऋषियों में से एक है। यानी ये आज ठीक ठीक अंदाजा लगाना भी मुश्किल है कि ये टेक्नोलॉजी कितनी पुरानी है। दुनिया भर में आज भारतीय इतिहास को हिंदू माइथोलॉजी बोला जाता है, यानी हिंदू धर्म की कहानियों को मिथ्या यानी काल्पनिक माना जाता है, और इसे मिथ्या मानने वाले कुछ मूर्ख भारतीय भी हैं। लेकिन हमारे ग्रंथ बार बार ये साबित करते हैं कि हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ ज्ञान कल्पना नहीं बल्कि वास्तविकता है। लेकिन हम और हमारी सरकार अब भी सो रहे हैं। नेशनल आर्काइव्स में इस समय लाखों मैन्यूस्क्रिप्ट्स रखी हुई, लेकिन उनका आज तक अनुवाद नहीं किया जा सका है, ना ही बहुत ज़्यादा कोशिश हो रही है। वैसे तो केंद्र में इस समय एक हिंदुत्ववादी विचारधारा की सरकार है, लेकिन लगता नहीं कि हमारे ज्ञान को पुनर्जीवित करने में इनकी कोई दिलचस्पी है। द न्यू इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार भारत में अब भी लगभग 40 मिलियन मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं जिनका अनुवाद आज तक नहीं किया गया है, और हम रोते हैं कि खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय जला डाला, हमारे सारे ज्ञान को तबाह कर दिया। लेकिन उन 4 करोड़ मैन्युस्क्रिप्ट्स का क्या जो हमारे पास हैं और जिनका हम अब तक अनुवाद नहीं कर पाए हैं? क्या हम उस ज्ञान को पुनर्जीवित कर पाएंगे? क्या सरकार इस दिशा में कोई कदम बढ़ाएगी? क्या पुनः भारत में ज्ञान की गंगा बहेगी? और कैसे हो सकता है भारतवर्ष का पुनरुत्थान? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और हाँ, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, जय हिंद।